के बड़े इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा, जांच पड़ताल का मरहला गया। आज और कल स्क्रूटनी होगी। तहरीक इंसाफ के हफीज शेख और फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर आला सिंध कराची के इलेक्शन ऑफिस में मौजूद। पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन, सलीम मांडवीवाला, पलवशा खान और शरी रहमान के कागजात भी मंजूर हो गए। पंजाब से काफ लीग के कामिल अली आगा के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं, अपने घर रेगुलर करके आवाम से घर छीने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा ओपन वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के अपने अराकीन असेंबली को पैराशूटर्स पर एतराज़ है, जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं, उन्हें टिकट दिए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद की जान गई। 24 घंटों में 1165 नए केसेस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस 25,008 रह गए। इंसाफ नहीं दे सकते तो केस खत्म कर दे, कब तक धक्के खाए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत के दौरान 5 साल से लापता बेटे की वालदा की दुहाइयां। अदालती हुक्म पर एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन पेश। अदालत ने पूछ लिया, मिस्टर मेमन लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। AIG ने जवाब दिया, कुछ लापता अफराद का ताल्लुक कालादम तंजीमों से बताया जाता है, पुलिस सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। और PSL सीजन 6 के ऑनलाइन टिकट्स की सेल शुरू होते ही वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। पहले मैच के लिए टिकट की कम से कम कीमत 2,000 और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए है।